बता दें तुर्की प्रशासन ने गेहूं द्वारा भेजी गई गेहूं की खेप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि गेहूं की इस खेप में फाइजोसेनेट्री की शिकायत है, इस वजह से इसे लेने से मना किया जा रहा है। वहीं 29 मई को इस खेप को लेकर तुर्की पहुंचे जहाज को वापस लौटना पड़ा। 1.5 करोड़ टन गेहूं की खेप वापस आने से भारत के व्यापारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वहीं S&P ग्लोबल कमोडिटी के मुताबिक MV इनसे को 56,877 टन गेहूं एकाडनिस में लोड किया गया था जो अब कांडला पोर्ट से लौट रहा था। वहीं S&P ग्लोबल कमोडिटी इंसाइट्स के अनुसार जो ट्रैकर कैपलर से शिपिंग डेटा का हवाला देते हैं, इसे एकाडिनिस में 56,877 टन गेहूं लोड किया गया जो अब कांडला पोर्ट से लौटता दिखा, जिसके चलते तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी S&P से मिली है। वहीं हालांकि भारत के कृषि मंत्रालय ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अप्रैल में भारत ने मुद्रास्फीति की बढ़ती दरों के बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अप्रैल में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर अपने सर्वकालिक उच्च 7.79% पर पहुंच गई, जबकि खाने के दाम 8.38% दर्ज किए गए। वहीं इन शिपमेंट को भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले भेजा गया था। यह एक निजी कंपनी द्वारा भेजा गया था। वहीं व्यापारियों ने निर्यात दुगना कर दिया था। पिछले महीने गेहूं की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे गेहूं का निर्यात ठप हो गया। हालांकि सरकार ने यह पाबंदी उन खेपों पर नहीं लगाई जो प्रतिबंध से पहले निकली थी। हालांकि भारत गेहूं का बड़ा निर्यात नहीं है, लेकिन कई देश यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कमी को पूरा करने के लिए इसकी आपूर्ति पर निर्भर है।